हाय एवरीवन, आज हम लोग फीफा के साउंड ट्रैक को रिएक्ट करने वाले हैं। इट हैज नोरा फतेही, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। नहीं, इट्स नॉट अ गुड रीजन कि नोरा है तो हम कर रही है, कैसी बात है। आई एम सिक। फीफा की तरफ आते हैं, पहले मैं तुमको एक बात बता दूं, आई एम नॉट एट माय फुलेस्ट। तुमको सारी एनर्जी नहीं मिलेगी। इट्स गन बी अ वेरी कैंडिड टॉक। आई गॉट फ्लू, आई वुड फील बेटर, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। अब आते हैं फीफा पे। फीफा का ऑफिशियल साउंड ट्रैक रिलीज हुआ था जुलाई में प्रॉबली। हाया हाया, उसको हमने नहीं सुना था, वो हमसे मिस हो गया। उसको हम दोबारा से रिएक्ट कर लेंगे, बट नाउ वी गोना रिएक्ट टू नोरा फतेहीज फीफा सॉन्ग। ये बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है नोरा के लिए। नोरा जहाँ से आ रही हैं, बहुत ही लड़की ने मेहनत की है। बहुत ही एक अनपॉपुलर किस्म का फिगर था, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आउटसाइडर, एंड देन शी मेड इट टू बॉलीवुड। और अब वो इंटरनेशनल काम करी है, दैट इज़ ह्यूज, दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। और जब इस तरह लड़कियाँ लड़के आते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। इस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू नोरा, और नोरा के नाम पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। टू ऑल द सक्सेसफुल पीपल, टू ऑल द पीपल हु रियली वर्कड हार्ड, वर्क देयर एसेज ऑफ, और फिर दे मेड इट इन द एंड, दे मेड इट। फीफा इज स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 21 और दिसंबर तक जाएगा, और इट्स हैपनिंग इन द विंटर्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्पोर्ट्स हिस्ट्री, इट्स कैन हैपन इन द विंटर्स। विंटर एडिशन है और बहुत मज़ा आने वाला है। बेड में बैठ के, रजाई में बैठ के फीफा देखेंगे। फीफा की थोड़ी सी तुमको मैं हिस्ट्री बताती हूँ अपने साथ। हमेशा से मैंने फीफा तो इतना ज़्यादा मैंने उसके बाद कीप अप नहीं किया, देखा नहीं है, मगर जो गाने रिलीज़ होते थे वो मैं हमेशा सुनती थी, और वो बहुत ही यूनिक होते हैं, वो बहुत ही पॉपुलर होते हैं, वो बहुत ही, दे सेलिब्रेट यूनिकनेस, दे सेलिब्रेट टुगेदरनेस। और मैंने ये बात पहले भी की है कि मुझे इस तरह के गाने बहुत अच्छे लगते हैं जो कि हम ह्यूमन बींग्स को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आइडेंटिटीज सेलिब्रेट करते हैं, डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं। स्पोर्ट्स वो चीज़ होती है, और आर्ट्स भी। आर्ट्स और स्पोर्ट्स हम सबको एक ही ग्राउंड पे ला के खड़ा करते हैं, और बहुत ही हेल्दी कंपटीशन होता है। देखो, मूवीज़ भी हम बनाते हैं और हम कोलैबोरेट करते हैं, इसी तरह स्पोर्ट्स का सेम रुतबा है, सेम पोजीशन है, सेम रोल है। तो इस बार कतर को मौका मिला है, कभी अरबी कंट्रीज़ को मौका नहीं मिला, ब्राज़ील को मिला, अफ्रीका को मिला, तो दिस टाइम इट्स हैपनिंग इन कतर। वेरी यूनिक, अरबियों की जगह पे हो रहा है, तो इट्स अमेजिंग। तो सबको अपनी जगह भी मिलती है स्पोर्ट्स में, और सबको सेलिब्रेट भी किया जाता है, सबको रिस्पेक्ट किया जाता है, और सब एथनीसिटीज़ को अपना कल्चर, अपना आर्ट दिखाने का मौका मिलता है। तो दिस टाइम इट्स फ्रॉम कतर। कतर के सिंगर्स ने मिलके गाना बनाया, इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड सॉन्ग। फीमेल्स ने गाना गाया है, फीमेल्स ने परफॉर्म किया है, फीमेल्स डांस करी हैं, फीमेल्स ही अंदर भी वीडियो में नजर आएंगी। वन ऑफ द रीजंस नोरा फतेही वाज अप्रोच्ड इज शी इज़ फ्रॉम मोरक्को। इसका बैकग्राउंड अरबिक है, इनका एथनीसिटी मैच करती है, इनका कल्चरल बैकग्राउंड सेम है, तो शी वाज आस्क्ड टू डांस और परफॉर्म। इन्होंने गाना भी गाया है, शायद गाने का नाम है लाइट द स्काई विद नोरा फतेही, बल्कीस, रहमा रियाद, मनाल एंड रेडवान। Hi!
heart. Let your love run free. Wanna spend some time? Then it's all on me. I can teach you things. Get your PhD. So now we are to play. No worries, it's okay. Look up like Galileo. The license saying hello. So now we are to play. No worries, it's okay. Look up like Galileo. We up, we up, we up, we up. Everybody, everybody. Light the sky, yeah. Light the sky, yeah. Shout if you're with me. Shout if you're with me. Higher, 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 higher. Everybody, everybody. Light the sky, yeah. Light the sky, yeah. Shout if you're with me. Shout if you're with me. Higher, higher, higher. आई ऑलरेडी लव इट क्योंकि सारी लड़कियों को लेकर के फीफा का गाना बनाया. इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स समथिंग. और मैं चाहती हूँ कि ये हम कल्चर बरकरार रखें और हमेशा फीफा के लिए लड़कियों को सेलेक्ट किया जाए ओरिजिनल ट्रैक के लिए. मैं गाने को लेकर के बहुत कम बात करने वाली हूँ और गाना किस तरह की फील्स दे रहा है उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे हम. देखो बहुत ही यूनिक गाना है, बहुत ही इंक्लूसिव गाना है. अगर तुम गाने को सुनोगे तो उसमें अरबिक टच है, उसमें इंग्लिश टच है, उसमें बॉलीवुड टच है. इंस्ट्रूमेंट्स आर ग्रेट बट इट इज़ वेरी इंक्लूसिव. सारे कल्चर्स को एब्जॉर्ब कर लिया उस. मुझे हमेशा से जो भी गाने स्पोर्ट्स को लेके बनते हैं मुझे पसंद रहे हैं. मुझे उनके बारे में एक बात है जिसको मैं आई कॉन्ट आर्टिकुलेट, आई कॉन्ट एक्सप्रेस, बट उसके बारे में एक चीज़ है जो मुझे पसंद है. आई लाइक स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे लगते हैं. तो ये गाना इज़ वेरी स्पेशल टू मी. गाने का वीडियो देखो, ऑडियो देखो, इट्स परफेक्ट. सेलिब्रेशन इज़ गोइंग ऑन, बहुत ही ग्लिटरी, बहुत ही ग्लैमरस किस्म का गाना है. लड़कियाँ टेक्स द स्टेज, मतलब बॉस ही नहीं कह सकते, बॉस इज़ नॉट अ गुड वर्ड. बहुत ही उनकी स्टैंडिंग बहुत फर्म है, उनका कैरेक्टर वेरी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, उनकी फिजिकैलिटी बहुत अच्छी है. यस, उनकी फिजिकैलिटी बहुत अच्छी लग रही है. वो बहुत ही अच्छे से स्टेज को ओन कर रही हैं. उसके बाद जो बैकग्राउंड वीडियो, बैकग्राउंड में लोग दे आर परफॉर्मिंग सम थिंग्स, एक्रोबैट्स हैं, कुछ जेस्चर्स हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है. गाने का थीम इज़ फ्यूचरिस्टिक, बहुत अच्छी थी. गाना तो अच्छा है, सब वोकल्स, इंस्ट्रूमेंटल, सब कुछ बहुत अच्छा है, टॉप नॉच है. ऑब्वियसली उन्होंने बड़ा देख के पिक किया होता है. आई लव द वाइब, लव द फीलिंग, लव एवरीथिंग. मगर मेरे लिए गाना स्टार्ट होता है लास्ट मिनट में. लास्ट मिनट इज समथिंग. उसमें जो वर्सेस हैं दे आर वेरी गुड, वेरी पावरफुल. लास्ट मिनट की जो वर्सेस हैं वो बहुत ही जील वाली हैं, बहुत ही आप में एक पैशनेट किस्म की वर्सेस हैं, बहुत ही घूस बम्स वाली वर्सेस हैं. तो वो अच्छी हैं और इसमें उर्दू भी डाला है. नौरा ने प्रॉब्ली गाना गाया है और उसमें उर्दू भी है, मुझे ये नहीं पता क्यों है. हाँ, एक बार नौरा ने कहा था कि आई एम इंडियन एट हार्ट, मे बी तो उन्होंने इंडियन हिंदी हो, शायद उर्दू ना हो, हिंदी में गाया हो. तो वो लास्ट मिनट, आई लव डैट. लास्ट मिनट इज़ एवरीथिंग. और या लेट्स सी यू गाइस इन नवंबर, दैट इज़ इट. या कुछ इतना नहीं है इसमें फिलॉसफी कि हम बताई जाए, बट आई लव डैट. मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी, मुझे देख के बहुत मज़ा आया. इस तरह की वीडियोज़ हम पहले देख चुके हैं,
हम देखते रहते हैं, मगर जब भी कोई न्यू वीडियो रिलीज होती है इस टाइप की, इस जॉनरा की, तो मैं सेलिब्रेट करती हूँ और सबको अच्छा लगता है, क्योंकि ये पॉजिटिव मैसेज के साथ ये वीडियोस और गाने बनाए जाते हैं। मुझे सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी, मुझे कैमरा वर्क बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली दुनिया के ब्राइटेस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म मेकर्स पकड़ के, कैमरा वर्कर्स पकड़ के ये बनाई जाती है, प्रोड्यूस किया जाता है। रेड वन ने इसको प्रोड्यूस किया। रेड वन क्या कंपनी, मतलब इट्स ह्यूज ऑलरेडी, तो उसको मैं क्या तारीफ करूँ। आई लव्ड इट, आई लव्ड द थीम, इट्स वेरी फ्यूचरिस्टिक, इट्स वेरी न्यू एज, वेरी मॉडर्न, वेरी थग। लड़कियाँ इसमें, और लड़कियाँ आर लाइक किलिंग इट, वी आर किलिंग इट, इट्स हैपनिंग। मतलब बहुत पहले आप, इट्स समथिंग न्यू, इट्स हैपनिंग, हाँ इट्स हैपनिंग। Girls are taking the stage. Girls are taking every field by storm. We're doing it. We're gonna do it. Yeah, I'm a feminist. और yeah, that is it from my side. I love the song. तुमको भी मज़ा ही आया होगा। और तुमसे मिलते हैं नवंबर में, FIFA से related. और that is it from my side. Love spread. मैं कहने वाली थी love spread and peace. Spread love and peace. I'm sick. Spread love and peace. अच्छे से रहो। तुमको ये पता लग रहा है ना मुझे टुगेदरनेस पसंद है, तो अच्छे से रहो, ठीक है। कल्चर्स को जज ना किया करो, स्पोर्ट्स किया करो, सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो तुमसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।